की धार्मिक ऐतिहासिक नगरी सांच धाम की पावन पवित्र भूमि में विराजमान सभी बाबा के भक्तों को सबसे पहले मेरी और मेरी छोटी सी पार्टी तरफ से सभी भक्तों को हाथ जोड़कर जय बाबा की। आज बड़ा खुशी का दिन, कलयुग के अवतार, कलयुग के देव, कलयुग के रक्षक श्री बालाजी महाराज की पावन पवित्र ज्योति हर वर्ष की भांति सांच धाम की पावन पवित्र भूमि में जगी। इस कलयुग में जहां बाबा की पावन पवित्र ज्योति जगती है वहां से कलयुग का विनाश होता है, जमीन पे खुशियों का आगमन होता है। आज बालाजी महाराज ने अपने सेवक, अपने दास, मेरे सतगुरु महाराज के परम लाडले शिष्य भक्त राम किशन जी को बाबा ने बड़ा खुशी का दिन दिया। बालाजी महाराज ने अपने सेवक के हाथों से अपनी पावन पवित्र ज्योति जगवाई। इस कलयुग में जिस घर में बाबा की ज्योत जगती है वो परिवार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन उज्जवल होता चला जाता है। उस घर में महालक्ष्मी का वास होता है, उस घर के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। फिर ही कलाकार की बात, कलाकार तो बहुत बड़ी चीज होती है। हम तो कलाकार के चरणों में बैठने की भी लायक नहीं है। जो कुछ भी सीखा भक्तों के प्यार से, आशीर्वाद से सीखा, जाने अनजाने में कोई भूल, कोई गलती हो जाए तो अपना भाई बच्चा समझ करके क्षमा कर देना। और आज पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। घर घर में सतगुरुदेव महाराज की पूजा हो रही है। और क्योंकि भगवान से बड़ा स्थान गुरुदेव का होता है, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वराय, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मय श्री गुरुवे नमः। तो आज गुरु पूर्णिमा, गुरु महाराज का पर्व पूरे भारतवर्ष में घर घर में मनाया जा रहा है। और आज गुरु जी महाराज के लाडले शिष्य जिन्होंने गुरु महाराज की अनेक लीलाओं का आनंद लिया, भगत राम किशन जी के पावन पवित्र सानिध्य में, बालाजी महाराज के चरणों में गुरु महाराज की कृपा से आज ये गुरु उत्सव मनाया जा रहा है। तो आइए ज्यादा समय लेते हुए जैसा भी आपके सत्संग से दो चार शब्द सीखे हैं उन्हीं को दोहराते हैं भगवान के चरणों में ये पावन रात बिताएंगे। लेकिन एक बात विशेष रूप से कहना चाहते हैं, डॉक्टर करणय अलावत जी बबैल गांव के रहने वाले, मेरे दिल के अजीज, बड़ा मान बड़ा सम्मान, लोग से एक पावन पवित्र आत्मा इस धरा पर, इस जमीन पर आई जिन्होंने लाखों करोड़ों की उजड़ी हुई दुनिया आबाद की। वो देवलोक से आई हुई आत्मा भक्त मुरारी लाल जी के नाम से इस हिंदुस्तान में जानी जाती। अनेक दुखियों का उद्धार जिन्होंने भगवान बालाजी महाराज, मैं भी नहीं जानता था, हाँ ये जानते थे कि हनुमान जी महाराज हैं, लेकिन बालाजी महाराज के बारे में हम भी नहीं जानते थे। हमारे सतगुरुदेव महाराज गुरु मुरारी लाल जी ने सोई हुई दुनिया को रास्ता दिखाया और घर घर में मेरे बालाजी महाराज का प्रचार किया। पाइए एक हाजरी सतगुरुदेव गुरु मुरारी लाल जी के चरणों में। बालाजी तेरा भक्त मुरारिया, ओ तेरी घर घर ज्योति जगा गया, भाई कौन कौन इस बात को मानता है कि हमारे सतगुरु महाराज ने बालाजी महाराज के नाम का प्रचार किया? ऐसे नहीं ऐसे, एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ और जरा तालियों के साथ, बालाजी तेरा भक्त मुरारिया, वो तेरी घर घर ज्योति जगा गया, बालाजी तेरा भक्त मुरारिया, तेरी घर घर ज्योति जगा गया, तेरा भक्त मुरारिया, तेरी घर घर ज्योति जगा गया। चले 360 मना गया, सोचा बना गया, सबके दोहरे नियम करा गया, सबके दोहरे नियम करा गया,
सीता से लावे तेरे को सिकरान किसन भी कर रात सिसरा किसन भी कर रात सिसरान किसन भी कर रात सिसरा किसन भी कर रात सिसरा दुनिया भर ते डरिया तेरी घड़ी घड़ी ज्योति जगा दे दुनिया भर ते सेवक को पहचान ली, आजा भाई बहुत जगह धक्के खाकर आजा, एक मिनट में अपने सेवक की नबज को पहचान लेते हैं। प्यार से सिर पर हाथ रखा और आश्वासन दिया, जा बेटा आज से तेरा भला होगा। ऐसा लगा जैसे खोई हुई दौलत वापिस मिल गई हो, मन में आस जगी, आस की किरण उपजी, ये लगा कि मुझे अब मेरी आत्मा में ये शांति हो गई है कि मेरा हर कार्य गुरुजी महाराज के चरणों में पूरा हो। भगत राम किशन जी पर गुरुजी महाराज की कृपा वर्षी, दर्शन करके जब घर वापिस आए, आते ही परिवार वालों ने पूछा कि राम किशन कहाँ गया था। कहने लगा कि भाई पूछो मत, आज मुझे लगा जैसे मैं बालाजी महाराज का दर्शन करके आया हूं। कहाँ गया भाई? शमशाना धाम में गया। आपने वहां पर क्या देखा कि सुनो, मैंने वहां पर क्या देखा। भगत राम कृष्ण जी परिवार के सामने गुरु महाराज की प्रशंसा करते हैं कि सुनो मेरे गुरु जी कैसे हैं। आइए हाजरे, बड़ा सम्मान करते हैं, धन्यवाद। हाँ जी, भाई एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे भक्त राम किशन जी के लिए। ये गुरु महाराज की बगिया का वो फूल है जिसने गुरु महाराज की हर लीला का आनंद लिया है। धन्य है राम किशन जी, रात को 12 बजे 1 बजे भी जब जाते थे तो गुरु जी महाराज इनको सदैव जगते हुए मिलते थे। और ऐसा बहम होया राम किशन के तरह मैं नहर पहना लिया करता भाई, 1 बजे 2 बजे गजब है। परिवार के सामने गुरु महाराज का जब पहली पहली बार मिलके आए तो वर्णन करते हैं, सुनो भाई मेरे गुरु जी कैसे। नुबला मन धोती कुर्ता बड़ा देखा, अरे प्यार ते लखाना देखा, और मंद मंद मुस्काना देखा, उस गुरु मुरारी लाल का। राम किशन जी भाव विभोर हो जाते हैं और गुरु जी महाराज की महिमा में खो जाते हैं। कैसे?
बोला धोती कुड़ता बाड़ा देखा तार
अरदास से विनती करते हैं मेरे गुरुजी, एक बार उस देवलोक को छोड़कर अपने बच्चों को दर्शन देने के लिए चले आओ। आपके बगैर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, आप ही करते हो, आप ही कराते हो। आज हम आपका दर्शन चाहते हैं। भगत राम कृष्ण जी सतगुरुदेव महाराज को याद कर विनती कर रहे हैं। आइए कैसे तन याद कर से नरियर नहरी तन आना गा मारे गुरु मुरारी। बड़ा भाव बड़ा भजन है, भाव से बुलाओगे तो गुरु जी को आना पड़ेगा। एक बार दोनों हाथ सीधे उठाओ, क्योंकि सतगुरु महाराज के रूप में आज भगत राम कृष्ण जी अपनी कृपा बरसा रहे। जरा तालियों के साथ तन याद कर से
भगत राम कृष्ण जी गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं। गुरु जी आपके बगैर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, सब आपकी कृपा से हो रहा है, आप ही कर रहे हो, हम तो मादन हैं। गुरु जी आपके बगैर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, ये भजन उन्हीं को अच्छे लगते हैं जिनको अपने सतगुरु महाराज से प्रेम हो जाता है। आइए कैसे तेरे बिना मेरा सुन्ना जीवन सुन्नी दुनिया दारी, मेरे सतगुरु देव मुरारी, मेरे सतगुरु देव मुरारी, तेरे बिना सुन्ना जीवन सुन्नी दुनिया दारी, सतगुरु देव मुरारी, मैं सतगुरु देव मुरारी।
जैसा भी आप चाहेंगे, दो चार पांच सात भजन बालाजी महाराज के चरणों में रखेंगे, लेकिन एक भजन और आइए गुरुदेव महाराज के चरणों में। भगत राम कृष्ण जी गुरु जी से विनती करते हैं कि ये सांच धाम आपका धाम है गुरु जी, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका नौकर हूँ, जो आपने बैठाया हूँ, जो भी करते हैं आप ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि गुरु के प्रति शिष्य के ऐसे भाव होने चाहिए। और जो राम कृष्ण जी में कूट कूट के गुरु महाराज ने भरे हैं, तो आइए भक्त राम कृष्ण जी गुरु जी से विनती करते हैं क्या। मेरे सिर पे आती राखिए ओ मेरे गुरु मुरारी लाल, कौन कौन अपने सदगुरु महाराज का आशीर्वाद अपने जीवन में चाहता है, ऐसे नहीं दोनों हाथ सीधे उठा और जरा तालियों के साथ, ओ मेरे सिर पे आती राखिए ओ मेरे गुरु मुरारी लाल, राखिए बताए गुरु गोविंद से बड़े बताए।